मुझे रेलवे के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय रेल राज्य मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं चुन करके आता हूँ वहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का भी मुख्यालय है और इलाहाबाद मंडल का भी मुख्यालय है, और इसी इलाहाबाद के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे हम कुंभ के नाम से जानते हैं। और पिछली बार जब 2013 में कुंभ का मेला हुआ था तो लगभग 10 करोड़ लोगों ने वहाँ पर स्नान करने का काम किया था, और उसमें भारत ही नहीं विश्व के लगभग उन सभी देशों से जहाँ गंगा यमुना के पावन संगम पर आस्था रखने वाले लोग निवास करते हैं। मैं विशेष तौर से यह बधाई इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि जब भी कुंभ का मेला लगा है प्रयाग के अंदर कोई ना कोई दुर्घटना होती रही है, और उस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण रेलवे के द्वारा जो व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं रहती थी, इस कारण से यह समस्या वहाँ पर होती रही है। अब मैं गिनती तो यहाँ पूरी नहीं बता सकता, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जितने भी मेले हुए हैं उसमें दुर्घटनाएं हुई हैं। पिछली बार कुंभ में मेले में भी बड़ी दुर्घटना हुई है, जांच हुई है, जांच में रेलवे को ही दोषी माना गया था। माननीय मंत्री जी ने इस बार के बजट में बहुत बड़ी व्यवस्था यह करने का काम किया है कि इलाहाबाद मुगल सराय को 3 लाइन की जो रोड की जरूरत थी, लाइन की जरूरत थी, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, केवल इलाहाबाद मुगल सराय अगर हम 3 लाइन यह कर दिए हैं तो इससे ही हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। 3 और लाइनें हैं, एक इलाहाबाद से लखनऊ के लिए जाती है, एक इलाहाबाद से फैजाबाद के लिए जाती है, वाराणसी के लिए जाती है और चित्रकूट के लिए जाती है, इसको भी डबल लाइन किए जाने की आवश्यकता है। और मैं निवेदन करूंगा इलाहाबाद बनारस हो गया, बहुत बहुत बधाई माननीय मंत्री जी। इलाहाबाद मुगल सराय का मेरे जानकारी में इलाहाबाद बनारस वाया फाफा मऊ इस रोड में बहुत बड़ी फूलपुर होते हुए इस लाइन की आवश्यकता है, अगर इसे भी आपने कर दिया मैं बहुत बहुत अभिनंदन अतिरिक्त रूप से आपका करना चाहूंगा। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं आज के दिन, क्योंकि एक मेरे लोकसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या थी रेलवे ओवरब्रिज की, जब से मैं सदस्य बन करके सदन में आया तब से लगातार इसके लिए प्रयास करता रहा। 2 रेलवे ओवरब्रिज तो अति आवश्यक थे जिसमें से एक को आपने इस बजट में स्वीकृत करने का काम किया फूलपुर का, मैं आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। प्रयाग जंक्शन के पास के अभी रेलवे ओवरब्रिज को आपने इसमें शामिल नहीं किया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे शहर की 30% आबादी प्रयाग जंक्शन के रेलवे ओवरब्रिज अगर नहीं बनता है तो बहुत प्रभावित रहती है, जिसमें सलोरी गोविंदपुर बघाड़ा का एक बड़ा क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस रेलवे ओवरब्रिज को भी बनाने की मांग करता हूं। और एक यह निवेदन, जो इलाहाबाद के आसपास जो रेलवे स्टेशन है उसमें इलाहाबाद जंक्शन मुख्य रेलवे स्टेशन है, दूसरा प्रयाग है, फाफा मऊ है, रामबाग है, नैनी है, सुबेदारगंज है, बमरौली है, यह कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है, और इन स्टेशनों का विकास जब तक नहीं होगा तब तक कुंभ मेले में जो अव्यवस्था होती है, अव्यवस्था के कारण जो तीर्थ यात्रियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है उससे उनको बचाया नहीं जा सकता। जी सर, 10 बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो एक की जानकारी मिली है, आपने अगर 10 सेंक्शन किया है मैं अतिरिक्त रूप से आपका अभिनंदन करता हूँ, अगर कुछ बकाया नहीं रखा है तो मैं बारम्बार अभिनंदन करता हूँ। लेकिन अभी भी इलाहाबाद क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला वहां पर लगता है इसलिए उसकी आवश्यकता है। दूसरा निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं इलाहाबाद से आता हूं इतने बड़े क्षेत्र से, उसका कंक्लूड कर रहा हूं, 2 मिनट मौका इसलिए दीजिए कि ऐसे क्षेत्र से हूं मैं। माननीय मंत्री जी, आपने रेलवे का विश्वविद्यालय बनाने की बात इस बजट में की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इलाहाबाद ऐसा सेंटर है, वास्तव में रेलवे का विश्वविद्यालय बनाए जाने की आवश्यकता है। आपके पास झूसी बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, रेलवे की और भी बहुत सारी जमीनें ऐसी पड़ी हैं
जो वास्तव में अतिक्रमण का शिकार हो रही है। मैं आपसे यहाँ भी पर्यावरण के दृष्टि से जब तक आप उपयोग नहीं करते हैं वहां वृक्षारोपण की व्यवस्था करिए, अन्यथा अवैध रूप से जो कब्जे होते बाद में हटाने कारण राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार रेल कोच फैक्ट्री यही सदन के अंदर रेल के बजट में घोषणा की गई इलाहाबाद के लिए, लेकिन वह रेल कोच फैक्ट्री इलाहाबाद नहीं जा पाई। वह जो प्रदेशों का जो जैसा कि पीछे के बजटों में होता रहा उस स्वार्थ के कारण जिस राज्य से रेल मंत्री जी थे उस राज्य को लेकर के चले गए। मैं बस एक दो मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं रेल कोच फैक्ट्री इलाहाबाद के अंदर लगाया जाए, इसलिए कि इलाहाबाद में ट्रिपल आईटी एमएनआईटी और इलाहाबाद सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां लगभग 3 लाख की संख्या में छात्र हर समय पढ़ाई करने का काम करते हैं, तैयारी करने का काम करते हैं, उनके रोजगार की आवश्यकता है, इसलिए रेल कोच फैक्ट्री वहां पर बनाने की आवश्यकता है। एक अंतिम बस में कंक्लूड कर रहा हूँ महोदय, एक लाइन माननीय इलाहाबाद मंडल, बस एक लाइन माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूँ इलाहाबाद मंडल के अंदर कौशाम्बी एक नया जिला 1997 में बना है, उस जिले का कोई जिला मुख्यालय का स्टेशन घोषित नहीं हुआ। मैं आपसे मांग करता हूँ कि सिराथू को जिला मुख्यालय का स्टेशन घोषित करके वहाँ भी जिले ट्रेनों के ठहराव का प्रबंध किया जाए और इलाहाबाद से होकर के जो दुरंतो चलती है दिल्ली और मुंबई के लिए उसको प्रतिदिन किया जाए, हरिद्वार के लिए, कटरा के लिए, वाराणसी के लिए।